एक इंजेक्शन होता है जिसके बारे में मुझे अधिकतर बच्चे मुझसे पूछते हैं। 1600 मीटर की तैयारी करने वाले जो आर्मी की भर्ती देते हैं अधिकतर वो ही बच्चे इस इंजेक्शन के बारे में पूछते हैं, क्या सर वो इंजेक्शन लगा ले क्या, उससे क्या फ़ायदे, उससे क्या मेरी रनिंग अच्छी निकल जाएगी, या उनको कोई एडवाइस देता है। उनसे जैसे पूछता हूँ उनसे कि आपको किसने बताया इंजेक्शन के बारे में, कि एक भैया कोई भर्ती देने गए थे उन्होंने बताया था, या कोई भर्ती देने गए थे वहाँ किसी ने इंजेक्शन लगाया था। तो दोस्तों क्या ये इंजेक्शन लगाने से आपकी भर्ती निकल जाएगी, क्या इससे कोई नुकसान नहीं है, इसका क्या फ़ायदा है, पूरा उसका डिटेल में आज आपको बताऊंगा मैं। इससे क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है, यहाँ तक आपकी मौत का कारण भी बन सकता है ये। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूँ राहुल यादव। 1600 मीटर की भर्ती चल रही है अधिकतर यारों की, तो इंजेक्शन के बारे में पूछते। तो एक इंजेक्शन आता है डेका ड्यूरोबिल। ये इंजेक्शन एक स्टेरॉइड है, आर्टिफिशियल स्टेरॉइड है। तो रनिंग करने से मतलब जैसे 1600 मीटर की भर्ती देने जा रहे हैं तो अधिकतर बच्चे पूछते हैं क्या सर ये इंजेक्शन लगा ले, तो मैं तो आपको सीधी सी बात पहले बता देते हैं इसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, और कहाँ ये यूज़ होता है। तो आपने कभी सुना है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कमज़ोर बच्चे, या कोई इनको हड्डियों में ज़्यादा दर्द होता है, या ऑस्टियोपोरोसिस एक वो होती है एक बीमारी जिसके जिसमें हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ फ्रेजाइल हो जाती है। तो इंजेक्शन तब यूज़ किया जाता है आपकी हड्डियों को पावर देने के लिए। हड्डियाँ थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो उसमें कैल्शियम की तरह मतलब कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा एकदम से, ये उनको बूस्ट कर देगा। वो बूस्ट कैसे करता है, अब रनिंग वाले क्यों यूज़ करते हैं इसके, रनिंग वाले से क्या फ़ायदा है इसके, कि आप ये इंजेक्शन कोई लगाता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ तो उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट मतलब उसके जो अंदर खून दौड़ रहा है उसकी गति बढ़ जाएगी। अब खून दौड़ेगा उसकी गति बढ़ जाएगी तो मतलब अपने आप उसका दिमाग तेज चलेगा, दिल तेज धड़केगा। अब दिल तेज धड़केगा तो उसको लगता है कि उसे तेज भागता है। तो इसका ये लगता है कि बच्चों को ये लगता है कि इसको लाने से कि रनिंग बूस्ट हो जाएगी, उनकी टाइमिंग अच्छी आएगी, लेकिन क्या ऐसा सचमुच में होता है? तो दोस्तों ये गलत है। 100% जैसे चीज़ में से 90% ये इंजेक्शन फेल होता है। 10% ही अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कब, जब आपने पहले से इसकी टेस्टिंग या कुछ कर रखा है या कुछ और भी अपना ऐसे कोई ड्रग लिए तो मतलब थोड़ा बहुत इसका फ़ायदा दिखता है पॉजिटिव, लेकिन 90% इफेक्ट इसका नेगेटिव है। आपने इस इंजेक्शन को पहली बात तो कहीं टेस्ट किया ही नहीं अपने ऊपर, कहीं भी नहीं, डायरेक्ट आके आपने किसी ने बोला और आपने इंजेक्शन ठुकवा दिया, ठीक है, इंजेक्शन ठुकवा दिया, सबसे बड़ी गलती है आपकी। इंजेक्शन ठुकवाने के साइड इफेक्ट ये होता है सबसे पहले कि आपकी हार्ट बीट, आपको चार चक्कर लगाने 1600 मीटर तो आपका जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। हार्ट बीट फास्ट होना मतलब समझ रहे हो आप, सांस आपकी भरने लगेगी, सांस फूलने लगेगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए रहेगी बॉडी में, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए रही है, उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो आपकी सांस फूलने लग सकती है, ये पहला साइड में। दूसरा आपका पेट दर्द, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या, नौसिया इसको बोलते हैं, इसमें आपका पेट दर्द भी स्टार्ट होने लग जाएगा बीच में, कभी रनिंग के बीच में हो जाता है, कभी भी हो सकता है, वो पहले भी तुरंत भी दिखाना है। और घबराहट, बेचैनी सी होती है इंसान को जब ये लगा लेते हैं, जब स्टेरॉइड रहते हैं, क्योंकि ये ड्रग है, ड्रग अगर आप लगाओगे तो आपके अंदर बेचैनी होगी, घबराहट सी होगी कि ये क्या है कुछ, मतलब एकदम से कुछ आर्टिफिशियल सिंथेटिक आपके अंदर केमिकल गया है तो शरीर को उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो आप तुरंत इसको कंज्यूम करते हैं तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, ठीक है। तो ये आर्मी मेडिकल के टाइम भी आपको उसकी बड़ी समस्या आ सकती है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है बच्चों में अधिकतर, कि जब ये इंजेक्शन आप लगाओगे तो आपको उल्टी भी आ सकती है, लूज मोशन भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी भी करता है ये इंजेक्शन गर्मी करता है। ड्रग से स्टेरॉइड है तो ऑब्वियसली ये आपको गर्मी करेगा, और उसके बाद ये तो आप इंजेक्शन लगा के चलो भर्ती दे दी आपने, उसके बाद के इफेक्ट होते तो आपकी किडनी और लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपकी किडनी फेलियर तक बात आ सकती है कि आपकी किडनी फेल हो गई, पिंपल्स दाने हो जाते हैं, बड़े बड़े दाने मुंह पर, पीठ पर, कहीं भी मतलब आगे पीछे कहीं भी, देखा है किसी ने, बॉडी बिल्डर रहते हैं या फिर कोई भी जो रहता है एक तरह, तो कि ये इंजेक्शन या कोई भी ड्रग्स लेते हैं स्टेरॉइड, तो उनके ऊपर बड़े बड़े पिंपल्स फोड़े फुंसे हो जाते हैं, तो वो सही भी नहीं होते। तो दोस्तों मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, ये इंजेक्शन आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप ये इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, किसी को भी अगर डॉक्टर कंसल्ट करता है, किसी को कोई बीमारी होती है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है, तो आप इस इंजेक्शन को उनको प्रेफर किया जाता है, लेकिन जो रनिंग करने वाले हैं उनके लिए इंजेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये एक ड्रग्स है। और अगर आप एथलीट हो तो इसको बिल्कुल यूज़ मत करें, क्योंकि ये डोप में आता है, और डोप में आगे अगर आप अच्छे प्रोफेशनल एथलीट हो इसको लगा लिया तो आप ड्रग टेस्ट में अगर आप इसको अगर आपका ड्रग टेस्ट हुआ तो उसमें आप फंस सकते हो, इस पर आपका बैन भी लग सकता है, आपका भविष्य खराब हो सकता है।
और इससे आपके शरीर को नुकसान है। और ये शरीर के स्पोर्ट्स वाले अगर आप लगा लेते तुरंत परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इतना डिक्लाइन होता है कि वो कवर नहीं कर पाता है उसको। दोस्तों ऐसी ऐसे चीज़ों से बचे, सावधान रहे कि जो कोई बताता है कि इंजेक्शन लगाना है या फिर वो लगा ले भाई तो ना लगाए। आपको मैं सीधी सी सिंपल बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन के बजाय। अब वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, एक और वीडियो आने वाला है कि भर्ती से पहले आप क्या खाएं और कौन सी दवाई ऐसी खाएं एक हफ्ते पहले जिससे कि आपको बूस्ट मिले। इससे क्या आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, देखो आपको बूस्ट मिलेगा कम से कम 15 से 20 सेकेंड, जैसे आपकी रेंज है तो वो आप कवर कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे इंजेक्शन की जो सलाह देते हैं वो उनसे दूर रहे, क्योंकि ये इंजेक्शन आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, 1% भी इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ मैं मिलूँगा आपको कोच राहुल 400 के नाम से। अगली बार फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।